अभी तो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज वगैरह चालू कर दी हैं, और अभी इसका हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर, इंडस्ट्रियल एरियाज, गोडाउन्स की एक्टिविटी देवास नाके पे, लोहा मंडी, ये सब मैकेनिक नगर, न्यू सियागंज, ये सब काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने खोला है। और अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मूवमेंट का कोरोना के केसेस में। और 31 मई के बाद भी ये कई लोगों का मैंने बात करता हूँ, देखता हूँ कि लोगों के इंप्रेशन है कि एकदम से खुल जाएगा। ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, एकदम से नहीं खुलेगा। 31 मई के बाद बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे खोला जाएगा इसको। हो सकता है कि उसमें 20-25 जून तक ये एक्सटेंड हो हम लोग बढ़ने का। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जैसे मॉल्स हो गए, जिम हो गए, जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, सिनेमा थिएटर्स हो गए, मंडियाँ हो गई, स्कूल्स हो गए, इन सबको तो हो सकता है जून में भी ना खोल पाए हम लोग। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो जुलाई या जुलाई के अंत में जाएगी या अगस्त में जाएगी, और जून में भी होगा तो एकदम से नहीं खुलेगा। ये लॉकडाउन में बहुत ग्रेजुअली खोलना पड़ेगा, और ये शहर के हित में है, ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है अभी। अभी स्पॉट फायरिंग निर्देश भी हम जारी कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट में, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जो मास्क का उपयोग करना है, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए ये इंश्योर करना है कि सभी लोग मास्क पहने और तभी बात करें वो लोग, ये चीज़ें जागरूकता भी मैं लोगों में देख नहीं रहा हूँ अभी। इसके लिए स्पॉट फाइन है, 2-3 दिन में सख्ती करना शुरू करेंगे फील्ड में हम लोग। किसी भी प्रकार का कहीं भी अगर लोग झुंड बनाए दिखे तो उस पर भी हैवी स्पॉट फाइन या उनके खिलाफ मुकदमे की FIR की कार्रवाई होगी। ये सब सख्ती करना जरूरी है साथ साथ। तो ये भी सब जो हो रही है अल्टीमेटली जनता के स्वास्थ्य के लिए हो रही है। हम लोगों के पास अस्पतालों में सीमित बिस्तर कैपेसिटी रहती है, और ग्रेजुअली खोल करके कितना इससे कोरोना के केसेस बढ़ेंगे हमारे, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है खोलने में बढ़ेंगे, और बिल्कुल हमें भी ऐसा संभावना लगती है। लोगों की जागरूकता को देखते हुए लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं इसमें, और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो कैरियर बन सकते हैं, कैरियर बन के अपने परिवार वालों को मुसीबत में डाल सकते हैं वो। तो ये सब चीज़ें सावधानी बरतनी जरूरी है, इसीलिए हम लोग ग्रेजुअली ही 31 के बाद इसको करेंगे। और कई एक्टिविटीज़ जून में नहीं खोली जाएंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आवश्यक नहीं है उनको नहीं खोला जाएगा, जस्ट इसलिए कि एकदम से भीड़ ना बढ़े या एकदम से चीज़ें आगे ना हो।